हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि मैम इस बार हमारा एग्जाम अच्छा नहीं गया, हमारे क्वेश्चंस छूट गए, टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए। तो बेटा परेशान नहीं होना है। कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हम अब नहीं करेंगे तैयारी, छोड़ देंगे, अब हमारा मन उठ चुका है, नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है बेटा। देखिए, आपने अपना पूरा बेस्ट दिया है, जितना आप मेहनत कर सकते थे उससे ज़्यादा आप सभी ने मेहनत की है, सभी ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। और हमारा देश ऐसा है, ठीक है, जिसमें हार नहीं मानी जाती। और हमेशा मैं कहती हूँ कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आपने मेहनत की है तो दोबारा से कम बैक करिए, 2023 की इस बार गलतियों को नोट करें, ठीक है। क्या क्या गलती मुझसे हुई है इस बार, ऐसा क्या मिस्टेक हुई है कि मैं टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, क्या मैंने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है, क्या मैंने पीवाईक्यू लगाए थे, क्या मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, मैंने कब से पढ़ाई शुरू की। क्योंकि आप पढ़ाई शुरू करते हैं लास्ट के 2-3 महीनों में, तब तक बेटा एक ऐसा बच्चा है जिसने 10 बार एनसीईआरटी पढ़ चुका है, जो भैया पीवाईक्यू को 2 बार प्रैक्टिस कर चुका है, जो मॉक टेस्ट डेली लगा चुका है, आप लास्ट के 2-3 महीनों में पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा सा भैया गड़बड़ कर देती है। तो ये सब गलतियों को लिखिए, देखिए कहाँ पर मिस्टेक हुई, और दोबारा से धुआंधार तरीके से कम बैक करें। और इस बार नीट 2023 को आपको फोड़ देना है, ठीक है, फोड़ देना है, तोड़ देना है, इस बार क्लियर करके छोड़ना है, ठीक है। तो आप सभी इस 2023 के लिए अब तैयार हो जाइए, 2022 निकल चुका है, ठीक है, 1-2 दिन का गैप आपको मिल चुका है। अब दोबारा से आपको अपनी फॉर्म में आना है तगड़े तरीके से और अपनी तैयारी को शुरू करना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू, बाय।